फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी छाली मंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुरेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और बाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है, उसके अलावा इंजोर होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खाबिब जिनको माइनर इंजरीज हुई है। इन 4 लोग पर अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान। A4 मोहम्मद अनवर। A5 मेहसान बिन समद मिस्री। A6 इमरान। A7 गाउस। A8 मोहम्मद अदनान। A9 मजर। A10 सुहैद। A11 मोहम्मद इस्माइल। A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, उस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में है। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि बेरोवल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर, एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीमंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार, विद टास्क फोर्स टीम्स एंड सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेषु जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वी पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं, पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पर केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए। तो हमसे हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्संस इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है नाइट्रोवेट टैबलेट्स उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसको वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम
काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पे कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ है और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस की।